जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से गुरु सियाग योग के गुरु करिले आप समान भाग सात में आज फिर से गुरु भाई ओम प्रकाश गर्ग हमारे साथ हैं। गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके अंदर बैठे गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं। और एक छोटी सी टिप्पणी के साथ या जो कॉमेंट पिछली बार आया था, एक सिंगल एक कॉमेंट है, उससे शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की और फिर आपसे जो गुरुदेव बुलवाना चाहेंगे वो। एक गुरु भाई हैं रमेश ओग्रा जो नागौर में रहते हैं शायद, उन्होंने पार्ट सिक्स जो कि करीब 2500 लोगों ने देखा उस पर एक टिप्पणी की थी उस वीडियो पर। जय गुरुदेव सर, पहले सुना था कि ईश्वर का नाम मीठा है पर अब अनुभव हो गया कि ये नाम तो बहुत ही मीठा है। तो इसी मिठास के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ गुरु भाई और ओवर टू यू। सच्चिदानंद रूपाय पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब के चरण कमलों में बारंबार नमन वंदन। शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ जी के चरण कमलों में बार बार नमन वंदन। सभी गुरु भाइयों बहनों को भीतर विराजमान गुरु तत्व को नमन। मानव मात्र के भीतर विराजमान गुरु तत्व को नमन। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। जी गुरु भाई बताइए। तो ये जो मीठापन है गुरु भाई, ये ईश्वर के नाम का मीठापन, ईश्वर के नाम का आनंद, ये पिछले 6 एपिसोड में जी भर करके लोगों ने महसूस किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम की नाम की मिठास, ये गूंगे का गुड़, इसको भगवान ने इंद्रियातीत आनंद, ईश्वर ध्यान धनितानंद, अक्षय आनंद कहा है। देव ये बताते हैं क्या भैया, संतों ने इसको नाम कुमारी कहा है। आक धतुरो नानकार उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका और चढ़ी रहे दिन रात। ये नाम की कुमारी ये चढ़ी रहती और अमल छिन छिन चढ़त, जितने संसार के नशे हैं वे शराब है भांग धतुरा लोग पीते हैं, घंटे दो घंटे चार छह घंटे भी वापिस बाहर निकल जाते हैं, फिर नशा उतर जाता है और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, लेकिन नाम अमल दिन बढ़े सवाय। यो तो दिन दिन सवाया ही होता ना। अक्षय आनंद गुरुदेव कहते मेरे गुरु ने मुझे अक्षय आनंद इस धरती पर ला करके बांटने के लिए दे दिया है, जो मैं अक्षय आनंद जिसको बांट रहा। मीराबाई कहती है असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली हुई, अब तो बेली फैल गई अब आनंद फल। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली हुई, अब तो बेली फैल गई अब आनंद फल। तो ये जो आनंद, ये जो मिठास उत्पन्न होती है, ये प्रेम से उत्पन्न होती है। लेकिन मीराबाई क्या कह रहे हैं, असुवन जल सींची सींची, वो प्रेम के विरह के, वो वैराग्य के, वो दूरी के, वो तड़प के आंसू बहा बहा के मैंने वो बेली बोई, वो प्रेम की बोली बोई, बेली बोई, अब वो बेली फैल गई। जब प्रेम जब प्रस्फुटित हो जाता है, जब बिखराव हो जाता है, जब सब उसमें समाहित हो जाते हैं, तो आनंद फल हो वो अनंत हो जाता है, वो सबसे हो जाता है, समग्रहता से हो जाता है संपूर्ण, वो अनंत, वो भूमा पद ही आनंद है, वो अनंत, सीमित में आनंद नहीं, सीमित में आनंद नहीं, वो भूमा पद ही आनंद है। मीराबाई कहते हैं ना,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मोय सदगुण, हरख हरख गुण गाय, प्रसन्न हो मैंने उसको जपा। तो मेरा गुरु भाई बहनों से शायद यही है कि जब नाम जपो तो प्रसन्नतापूर्वक जपो। हमारे गुरु ने कितनी हमें अनमोल, जब उसमें आनंद आएगा। हम जपे जा रहे कहते आनंद नहीं आता। अरे प्रसन्नतापूर्वक अनमोल अविनाशी धन है, उसमें आनंद है और नाशवान में आ रहा तो महत्व किसको दे रखा। मीरा भाई ने कहने हरख हरख गुण गायो, प्रसन्न हो के मैंने उसको जपा है। एक जप किया मतलब एक वो अक्षय धन की पूंजी जमा हो रही है। हरख हरख गुण गायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़े तो सवाई। वो जो सवाल है होता, अरे जब बैंक के अंदर बैलेंस में जब जमा होता है रुपया तो हम कहते हैं भाई 50,000 हो गया, अब 60 हो गया, अब लाख हो गया, अब तो मेरे पास 5 लाख 10 लाख, आ हा अभी तो मेरे पास है, तो अपन दिल भरा हुआ रहता है। अरे तो ये जब सवाल होता है धन तब एक एक पूंजी के साथ सोया होता है तो इसमें क्यों, ये तो अक्षय आनंद है। वो तो फिर कभी जरूरत पड़ती तो वापिस निकालना पड़ता है, ये तो खूटता ही नहीं है। खर्चन खूटे, कितना ही खर्च करो ये तो खूटता नहीं है। खर्चन खूटे चोरन लूटे कोई कोई ट्रांसफर एंट्री नहीं, कोई कोई वो डिजिटल से कोई चुरा ले ले चोरन लूटे दिन दिन बढ़े तो सवाय, दिन दिन सवाया होता है क्योंकि ये ईश्वर के नाम का धन, ये जो हमारे हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने हमें जो दिया है, ये अनमोल, ये अविनाशी धन। हमें आनंद नहीं आ रहा है तो उसका कारण है कि हम उसका महत्व नहीं समझ रहे, हमें उसमें विश्वास नहीं हो रहा। हमें इस बात को ईमानदारी से ईमानदार बनकर के टटोलना चाहिए अपने आप में ही कि हमें कितना भरोसा है इस अविनाशी धन। वास्तव में ये धन भी है कर, हम इसे जबरदस्ती अपने मन में ठूस ठूस के सुनी सुनाई बातों पे धन इसको मान रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम किया, जान लेव कोई जान हार। राम को क्या प्यारा है, केवल प्रेम प्यारा, तो सदगुरु भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। वो भाव के, वो प्रेम के भूखे। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है, सदगुरु भगवान को पता है कि प्रेम करना मनुष्य का स्वभाव है, प्रेम करना हर जीव का स्वभाव है, प्रेम किए बगैर कोई रह नहीं सकता, ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ जो प्रेम किए बिना रह सके। कोई माता पिता से प्रेम करता है, कोई पत्नी से, कोई बच्चों से, कोई धन से, मकान दुकान से, कोई मान सम्मान से, लेकिन प्रेम कभी कोई न कोई किसी से जरूर कर रहा है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, मनुष्य तो क्या, दूसरे प्राणी भी, जितने मूक प्राणी हैं, पक्षी, ये जानवर, बचपन में वो 10वीं में पहले पाठ चलता था कि एक राही होता है कहीं चला जाता है और वो शेर कराता है जंगल में और कहते हैं उसके पांव में कांटा निकाल देते हैं, तो वो बाद में कोई पकड़ा जाता है कि उसने चोरी कर ली, उसके बदले में उसको पकड़ लेते हैं, उसको पिंजरे में डाल देते हैं, वो कहीं और चला जाता है, उसका दोस्त आता है कि मेरे माता पिता से मिलना है, मैं वापिस आ जाऊंगा, तुम मुझे से, तुम उसकी जगह पे मुझे मतलब जेल में रख दो, तो वो मिलने जाता है और उसको जेल में डाल देता है, कैसे उसको सजा नहीं, उसको मिले मुझे दे देना, वो देर से आए सजा उसके बदले, दोस्त कहता है। तो कहते हैं कि जब वो जंगल में का जो शेर होता है वही पकड़ा हुआ होता है और उसको अंधे में, तो उसको वो दोस्त आ जाता है, थोड़ी देर हो जाती है,
जब कहते हैं कि उसको शेर के सामने खड़ा किया जाता है उस आदमी को कि इसको शेर ला देते, इसने चोरी की, तब कहते हैं शेर उसके सामने एकदम मुंह को करके बैठ जाता। क्यों? क्योंकि आदमी भूल गया कि कौन था, लेकिन शेर नहीं भूला कि यही वह व्यक्ति है जिसने मेरे पांव से कांटा निकाला। मूक प्राणियों में प्रेम होता है, कुत्ते अपने मालिक के लिए जान दे देते हैं। बहुत सारे जानवरों में प्रेम करना हर जीव का स्वभाव, प्रेम किए बगैर कोई मनुष्य जी नहीं सकता, सभी प्रेम करते हैं। हमने अपने आप में ये जो अनमोल गुण है, ये जो प्रेम का स्वभाव है सबका, ये हमने अपने आप में कभी अपने आप को जाना है? प्रेम सबके अंदर बैठा हिलोरे ले रहा है, वो प्रकट होना चाहता है। कोई पेड़ पौधों को देख के प्रसन्न होते हैं, कोई बच्चों को देख करके प्रसन्न होते हैं, कोई जानवर को, कोई सूखते हुए सूरज को, कोई माता पिता भाई बहन को, पत्नी को, कोई अकेले में बैठ करके रुपये गिनता है खुश होता रहा, ये क्या है? ये सब प्रेम ही है जो प्रस्फुटित हो रहा है। लेकिन प्रेम प्रेम जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, प्रेम नश्वरता की तरफ जा रहा है। इसलिए विवेकानंद जी सचेत करते हैं, हमें जगाते हैं, कहते हैं, समझाते हैं, सावधान, प्रेम केवल सदगुरु और भगवान के लिए, भाव भरी संवेदनाएं उनका प्रेम केवल सदगुरु देव जी और भगवान के प्रति और किसी के प्रति। क्यों? दूसरों के प्रति जाओगे वो परिवर्तन हो जाएंगे, वो बदल जाएगा, वो सूख जाएगा, वहां तुम्हें तुम्हें दुख कलेश पीड़ा हाथ दे। संसार का ऐसा कोई संयोग नहीं जिसे कोई वियोग नहीं, ऐसा कोई मिलाप नहीं जिससे बिछुड़ना, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो हमें पकड़े और छूटे। उगे सो ही आथवे, फूले सो कुमलाए, पकड़े सो ही गिर पड़े, जन्मे सो मर जाए। जो सूर्य उदय होगा वो अस्त होना निश्चित है, जो फूल खिलेगा वो मुरझाना उसका निश्चित है। फूले सो कुमलाए, पकड़े सो ही गिर पड़े, जो वस्तु हम संसार की नश्वरता की पकड़ेंगे आखिर वो हमारे हाथ से छूट जाएगी, हम उसको पकड़ के नहीं। और जन्मे सो मर जाए, जो जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भविष्य। इसलिए प्रेम करो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान, परमात्मा केवल को केवल प्रेम प्यारा है। हमें अपना प्रेम सदगुरु भगवान की आज्ञा पालन में, उनकी उनके अमृत वचनों को सुनने में, हमें नाम जप और ध्यान में लगाना है, और संसार का जो काम है वो करते रहना। हमारे गुरु ने हमें यही आज्ञा दी, यही बताया कि भैया कोई भी काम छोड़ना नहीं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही उपदेश देते कि सर्व वो कहते हैं तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनु स्मर युद्धच्च। ये अर्जुन तू सब समय में मुझको स्मरण करता होगा, युद्ध कर। युद्ध अर्जुन के लिए कर्म था। तो वह गुरुदेव यही कहते हैं हर समय, भाई नाम जप करते रहो और अपना कर्म करते रहो। यही भगवान कहते हैं गीता में, तस्मास सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु सभी समय, कालेषु सभी समय में मामनु स्मर, मुझको स्मरण करते हुए युद्धश्च युद्ध कर। यही बात भगवान कह रहे हैं, सदगुरु भगवान जी बता रहे हैं कि सब समय नाम जप करते रहो तेल की धारवत, और नाम जप करते हुए तुम कर्म करते रहो तो क्या होगा? तब ये होगा कि हार होगी तो भगवान कहते हैं अर्जुन वो तेरी नहीं मेरी होगी, और जीत होगी तो तेरी नहीं मेरी होगी। जीत होने पे तेरे अहंकार नहीं होगा, और हार होने पे तुझे दुख कष्ट और पश्चाताप नहीं। गुरुदेव भी हमें यही बता रहे, यही समझा रहे, हे मनुष्य, हे शिष्य, तुम नाम जप निरंतर करते रहो, तुम
नाम जप करते हुए हर कर्म बढ़िया ईमानदारी से करने की कोशिश करो, प्रयत्न करो। फिर सफल हुए तो भी समझो कि वो मेरी ही कृपा है, और असफल हुए तो भी समझो कि वो मेरी ही असफलता। तुम सफलता असफलता से छूट जाओ तो मैं केवल कर्म करना। मैं जब जुड़ा तब गुरुदेव ने मुझे ये अनुभूतियां कराई, तो मैं बार बार कहता था, गुरुदेव शादी कर ली अब क्या करना, गुरुदेव अब क्या करना, ऐसे ध्यान में पूछता रहता। गुरुदेव तुझे कुछ नहीं करना है, अब क्या करना, अब क्या करना मत पूछ। तुझे जो सामने आया हुआ काम है उसको ही नाम जप करते हुए काम करता रहे बस, और कुछ नहीं करना तुझे। बाकी बाकी जो होगा वो अपने आप होता जाएगा, बस तू ये करता रहे जो सामने आएगा, क्योंकि प्रकृति का काम है, शरीर प्रकृति का है। जब तक जिएगा तब तक कर्म कर्म में लगा रहेगा, तो कर्म में लगा रहे तो कर्म में अपने आप ही तेरी उन्नति करता रहेगा। और ईश्वर को जब करते हुए कर रहा है तो उसका करने का अहंकार नहीं होगा, हानि होगी तो उस वो जाने, लाभ होगा तो वो जाने। तुम जो कर्म फल से है ना, और कर्तापन के भाव से छूट जाए, तो हमें कर्म नहीं दुख देते, कर्तापन का भाव दुख देता, अहंकार दुख देता। कर्तापन का भाव ही अहंकार। मेरे अंदर ये विचार उत्पन्न हुआ, कुछ वीडियो जो मैंने देखे, तो मेरे अंदर ये विचार उत्पन्न हुआ कि जो सब गुरु भाई बहन जो प्रश्न पूछते हैं, वो ये प्रश्न उनके अंदर मुख्य रहता है कि ध्यान नहीं लग रहा है, परेशानियां दूर नहीं हो रही है, यही मुख्य प्रश्न है। मोटे तौर पे वो घुमा फिरा करके कोई बात कहते हो, लेकिन मुख्य बात यही लग रही है कि ध्यान नहीं हो रहा है, दुख कष्ट पीड़ाएं दूर नहीं हो रही, आनंद नहीं आ रहा, यही मुख्य प्रश्न। ध्यान नहीं लग रहा है तो इस पे हम गौर करें, हम विचार करें ईमानदारी से पहले कि हम नाम जप कितना करते हैं, क्या हमारा ध्यान में बैठने का जो नियमितता है, हम नाम जप कम करते हैं, नियमितता ध्यान में बैठने में नहीं है, फिर हम शिकायत करते हैं तो क्या सही करते हैं? नहीं। और हम व्यर्थ चिंतन कितना करते हैं, तेरे मेरे का, नश्वरता का, तो हमारे जब भी ध्यान में बैठेंगे तो बहुत समय जो व्यर्थ चिंतन किया हुआ है वही घूमता रहता है। जो पवित्र चिंतन होगा तो एकाग्रता बनेगी ना, उसमें सहायक होगी ना। हम तो पिए तो जा रहे हैं नश्वरता का व्यर्थ चिंतन, तू तेरे मैं मेरे का, उसने ये कर दिया, घृणा निंदा ईर्ष्या आलोचना की बातें, और हम सोचते हैं कि ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। तो हमारा ज्यादा ज्यादातर जो दिमाग के अंदर जो कलुष, तो वो जब चिंतन का छाया हुआ रहता है तो हमारा ध्यान कैसे है? ध्यान में तो पवित्र विचार चाहिए ना, निर्मल विचार चाहिए ना, सकारात्मक थॉट होगी तो ही ध्यान में सहायक होगी ना। हम नाम जप पे जोर नहीं देते निरंतर, व्यर्थ चिंतन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, नश्वरता के चिंतन को, अनात्म के चिंतन को, और हमें दूसरी सब बातें याद आती है तो वो हमें उस समय हमारे मस्तिष्क में घूमती रहती है। तो जिस समय हम बैठते हैं तो हमारी वो सोची गई, विचारी गई, बोली गई सब बातें अनायास ही हमारे पास आकर के घूमती रहती है। विदुर नीति में मैंने पढ़ा था एक वचन के, तन से, मन से और वचन से जो कर्म आदमी लंबे समय तक करता है, वह कर्म ही एक दिन उस व्यक्ति को पकड़ लेता है। फिर वो छोड़ना चाहे ना तो वो उसको छोड़ता नहीं। तन से, मन से और वचन से हमने उस कर्म को लंबे समय तक किया है, और अब हम उस कर्म से पीछा छुड़ाना चाहे ना तो कर्म खुद नहीं छोड़ेगा, वो पकड़ लेगा। अब ये हम विचार करें कि ईमानदारी से हमने तन से, मन से और वचन से किस कर्म को लंबे समय तक किया है, किसको महत्व दिया है,
किसमें कितनी ज्यादा रुचि जगाई, ये हमें विचार करना। हम जब से आनंद नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? क्या गुरु के वचन, गुरु के वचनों में इतना संदेह कैसे उत्पन्न हो रहा है? जब गुरु तो कह रहे हैं कि तुम नाम जपोगे तो आनंद आएगा तुम्हारे भीतर ही, और नाम जप कर रहे हैं कि ध्यान नहीं लग रहा, आनंद नहीं लग रहा। मतलब अपन ये तो लें कि गुरु सही बोल रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं। ये तो एक मतलब एक आकलन का विषय हो गया, एक ईमानदारी का विषय हो गया। मतलब गुरु पे आप क्वेश्चन उठा रहे हो, ये तो एक तरफ से तो नहीं उठा रहे हैं। हम सोचें कि भाई नाम जब ध्यान कर रहे हैं, हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं लग रहा। एक तरफ से तो हम अपनी बता रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं कि हमें ना दुख कष्ट पीड़ा नहीं हो रही। एक तरफ हम आदर्श रूप से विचार कर रहे हैं, तो हम ये क्वेश्चन गुरु के लिए भी उठा रहे हैं। मतलब हम तो नाम जब ध्यान कर रहे हैं लेकिन उदय, और गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरुदेव तो कहते हैं भैया 15 मिनट बैठ के देखो, आपने जो बताया ना उसकी ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी कर लो, वो अपनी ड्यूटी संभाल लेगा। तो क्या ये बात है कि आप ड्यूटी कर रहे हो, वो ड्यूटी नहीं कर रहे? विचार करने की बस बात है। हम कितना व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, कितना अपवित्र और नश्वरता का चिंतन करते हैं, कितना विषयों का चिंतन कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां, आंख नाक कान, जो पंच इंद्रियां पांच विषयों की तरफ निरंतर भाग रही है, तो अकारण विषयों का चिंतन हो रहा है। क्योंकि जब अंदर से आनंद नहीं आता तो विषयों का चिंतन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मन अपना खोजेगा सुख, तो वो विषयों के चिंतन में लगा हुआ है। तो भगवान कहते हैं गीता में कि विषयों का चिंतन करने से उस पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति होने से उनकी कामना उत्पन्न होती है, कामनाओं में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होने से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव उत्पन्न होने से स्मृति भ्रम होती है, स्मृति भ्रम होने से बुद्धि शक्ति का नाश होता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से हे अर्जुन उस मनुष्य का सर्वनाश होता है। बात कहां से शुरू हुई? चिंतन से, विषयों का चिंतन करने से उस पुरुष की। हमारी गांधी जी ने तीन बंदर बताए थे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन विचार करने पे पता लगता है कि गांधी जी की एक शिक्षा अधूरी। गांधी जी को एक और बंदर बिताना चाहिए, वो सिर की तरफ हाथ रखे और यहां कहे कि बुरा मत सोचो। बुरा सोचेगा ही नहीं तो बुरा बोलेगा कैसे, बुरा सोचेगा ही नहीं तो बुरा सुनेगा कैसे, बुरा सोचेगा ही नहीं तो बुरा देखेगा कैसे। तो हमारी जो जड़ है ना, वो मस्तिष्क में, सोच में। इसलिए भगवान कहते हैं विषयों का चिंतन करने से। तो हमारा चिंतन किस प्रकार का चलता? नश्वरता का, व्यर्थ चिंतन। क्या हमें वो कामनाओं का चिंतन, तेरे मेरे का चिंतन, क्या हमें वो, क्या हम विचार करें कि वो हमारे ध्यान में सहायक होगा? हम निरंतर नाम जप करें। इसलिए गुरुदेव कहते हैं तेल की धारवत सघन नाम जप, या आप कम से कम जितना हो सके, जो भी गुरु भाई बहन निरंतर नाम जप कर रहे हैं और नियमित ध्यान कर रहे हैं, उनकी शिकायत नहीं रहेगी, नहीं शिकायत किसी की सूरत में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी उनकी शिकायत। निरंतर जो नाम जप और ध्यान कर रहे हैं उनकी शिकायत नहीं होगी। क्यों? कि विवेकानंद जी ने कहा एक जगह, सफल होने के लिए 3 P अपनाओ, 3 P, 3 P, 3 P क्या है? तो इन्होंने कहा प्योरिटी, पहला जो कोई भी काम करो तो उद्देश्य हमारा पवित्र होना चाहिए, चाहे खड्डा भी खोद रहे हो तो इसमें मेरा और दूसरे का हित होगा, तो वो खड्डा खोदना सही।
पवित्रता, उद्देश्य पवित्र बनाओ, नाम जब ध्यान कर रहे हो, जीवन का कार्य कर रहे हो, उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, इसमें मेरा और दूसरे का, सबका, मानव जाति का, ऐसा उद्देश्य चलो हर कार्य में। फिर उद्देश्य पवित्र होने के बाद क्या, परसिवरेंस, निरंतर नियमित रूप से उसको लगातार कर। और तीसरी पेशेंस, यदि कुछ समय रिजल्ट नहीं मिले तो धैर्य रख। तो प्योरिटी, परसिवरेंस और पेशेंस, ये त्रिपी जीवन में विचार करना है हमें। पवित्रता चिंतन में तन से, मन से और वचन से अपनाएंगे और नाम जप करेंगे। मैं जब 1999 में जब मैं राम नाम लेना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि भाई ये राम नाम तो ले रहा हूं, पर ये राम नाम से रिजल्ट कैसे मिलेंगे, राम नाम से रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो मैंने एक दोहा पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था किताब में कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे कोई, तो एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। राम राम तो सब कहते हैं, दशरथ कहे न कोई, दशरथ कोई नहीं कहता, एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो, करोड़ों योगियों का फल होता है। तो आ दशरथ लोग पढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं राम जी के पिता दशरथ का नाम होगा, वो दशरथ नहीं है, वो दस रथ है, रथ का अर्थ होता नियम, 10 नियमों का पालन करते हुए जो नाम लेता है तो वो नाम फलित होता है। तो मैंने वो 10 नियम लिख दिए, मैंने कहा इस नियमों को पालन करते हुए, नियम किसी की निंदा नहीं करना, दोष नहीं देखना, शंकर और विष्णु में भेद नहीं करना, शास्त्रों में आयुध नहीं करना, जानबूझकर छल कपट गणा निंदा झूठ आलोचना नहीं करना, बहुत सारे नियम थे। तो उस नियमों को मैं पालन करते हुए देख, नियमों को पालन करते हुए फिर देखो, मतलब वो किया तो मुझे खाली राम नाम से ही मुझे रिजल्ट मिला, निब्बे से, गुद्दे से, तरानु से जुड़ा, लेकिन उससे पहले मुझे अनुभूतियां होनी शुरू हो गई, और उससे पहले ऐसे ऐसे अनोखे काम होने लगे कि मैं हर समय सोचता था कि मेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति रहती है और वो मेरा काम हर समय कर रही है। तो 10 नियमों का पालन करने का किया। मैंने एक योगी कथा अमृत में पढ़ा था कि लाहड़ी महाशय जी कहीं मेले में, कुंभ के मेले में गए, तो वो स्नान करने गए तो कह रहे घूमते हुए दिखे, तो वो कर रहे थे, वो देखा कि वो आंखों में देखा तो उनके जो गुरु है महावतार बाबा किसी वो साधु के पांव दबा रहे थे, चरण दबा रहे थे, वो साधु सुल्फा पी रहा था, यूं खींच रहा था बैठा। तो उसने आंखों में उसको कद, मेरे क्या, मेरे गुरु और इसके ये पाखंडी, इसके इसके कुछ जानता करता नहीं, इसके पांव दबा रहे। उसने कहा मेरे क्या हो गया, मेरे गुरु और इसके पांव दबा रहे हैं, उसकी आंखें उन्होंने मली अपनी, फिर देखा तो देखा गुरु पांव दबा रहे हैं मेरे, और ये तो पाखंडी। वो के मैं तो सोचता था साधुओं के प्रति के साधु है ना ये, इन्होंने घर बार तो छोड़ दिया, तो ये जन्म तो इन्होंने बिगाड़ दिया क्योंकि अपनी कर्तव्य किया नहीं और आगे भगवान का नाम लेते नहीं, तो अब और बिगाड़ रहे। तो दोनों जगह ये तो अपना खराबा कर रहे, तो इनका तो कुछ नहीं होना, ये तो नरक में जाने, ऐसे पाखंडियों का कुछ नहीं होना। तो लाहड़ी महाशय जी के मेरे को दोबारा गए दिखे नहीं, तो मैं घर पे आया, तो लाहड़ी महाशय जी के घर पे आते ही मैंने ध्यान किया, ध्यान करके गुरुदेव से प्रार्थना की बाबा आप वहां दिखे थे, वो झूठ था का सच था, आप वो पाखंडी बाबा उसके आप पांव दबा रहे थे। तो कहते महावतार बाबा ने समझाया बेटा वो सत्य था, झूठ नहीं था, वो मैंने तेरे को इसलिए दिखाया कि तू उसके अंदर दोष देख रहा था, तू परदोष दर्शन कर रहा था कि ये पाखंडी है, ये झूठे हैं, ये वो है, और उस दोष दर्शन देख करके उसका कुछ अहित नहीं हो रहा था, वो तेरा ही तू अपना अहित कर रहा था। पर दोष दर्शन देखने से तू अपने आध्यात्म रीति के अंदर जो आगे उत्थान हो रहा है उसके अंदर बाधा डाला था,
वो मैंने तेरे को ये दिखाने के लिए करा था कि दुनिया जो करे उसको करने दो, तुझे पर आगे उन्नति करनी है, बढ़ना है, तो परदोष दर्शन नहीं करना, ये हमें विचार करना है। ये विचार हमारे अपने के लिए, वो हमें बता रहे थे, मुझे उस तथ्य से मुझे इसलिए कराऊं को, मैं पढ़ने के बाद मुझे स्मरण आया कि परदोष दर्शन करने से हमें क्या मिलता है। हमें कोई नियुक्त तो नहीं किया कि भाई आप ने वो उसको लिख करके डायरी हो और फलाना फलाना क्या कर रहा है उसका हिसाब किताब रखते रहो, फिर तुम्हें पूछेंगे भाई तुम्हें नियुक्त किया गया है कि तुम उनका पता लगाते रहो और हमें लाके हिसाब देना, हमें तुम पगार दे। हम तो बीच में ही, वो कहते ना मारवाड़ी कहावत है, अपन पतन की राह खोल रहे हैं। लेकिन ये सूक्ष्म वृत्तियां हैं, ये सूक्ष्म वृत्तियां हैं जो हमें कहीं कहीं धोखा देती है। भगवान ने नवदा भक्ति में वर्णन किया, वो कहा है आठवीं भक्ति, आठवीं यथा लाभ सपन संतोषार, सपने उन्हें देखें पर दोषार। आठवीं भक्ति भगवान ने कहा यथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसमें भगवान का धन्यवाद अर्पण करके उसको ग्रहण करना, और सपने उन्हें देखें पर दोषार, सपने में भी किसी के परदोष के दर्शन। ऐसे ही मैंने एक और प्रेरक प्रसंग पढ़ा था, शेख शादी हुए क्लोज पर, तो वो कह रहे कहीं जा रहे थे मक्का, तो वो कह रहे मैं छोटा था तब, तो सवेरे जल्दी उठ जाते हैं नमाज वगैरह अदा करने के लिए मुसलमान भाई, तो कह वो जो बहुत झुंड था, सभी एक साथ जा रहे थे, तो कहीं जगह रुके रात को, तो सवेरे का टाइम हुआ तो उठ गए वो, तो वो बच्चा था वो भी उठ गया, वो भी उठ गए, उठ करके हाथ मुंह धोए और नमाज अदा करने लगे। तो नमाज अदा करके जब उठे तो वो बेटा था वो पूछने लगा शेख सादी कि पिताजी देखो अपन कितने अच्छे हैं, अपन उठ करके भगवान को सवेरे याद कर रहे हैं, और ये जो दूसरे जो मूर्ख है अभी सोए पड़े हैं, कि इनको मतलब मनुष्य जन्म दिया है पता है, इनको मालिक को याद करने के, अल्लाह को ताला को याद करने के, अरदास करने की इनको कोई फिक्र नहीं। तो कहते हैं उनके पिताजी ने उनको कहा बेटा एक बात तुझे समझाऊं, के बोलो पिताजी, के तू भी नहीं उठा होता ना तो अच्छा होता। तो उन्होंने कहा ये क्यों पिताजी, के अरे बेटा ये तो बेचारे सोए ही हैं, सो करके कोई बुरा कर्म तो नहीं करें, तू उठ करके इनकी निंदा आलोचना कर रहा, तू उठ करके अपन बुरा कर्म करना शुरू कर दिया, तो कम से कम ये बुरा तो नहीं कर रहे, और तू उठ करके इनकी निंदा आलोचना कर रहा है तो तू और पतन के गर्त में जा रहा है। तो हमें ऐसी छोटी छोटी बारीकियों का यदि हमें अपना हित करना है, अपना ही भला सोचना है करना है, तो ऐसी बारीकियों का हमें बहुत आकलन करना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं कभी किसी के बारे में गुरुदेव कुछ नहीं बोलते थे, क्यों नहीं, गुरुदेव कहते थे मैं कर्ता मात्र ईश्वर को मानता हूं, इसलिए किसी मानव को मैं दोष देता ही नहीं। मनुष्य तो प्रकृति के हाथों ये शरीर बना हुआ पुतला है, ये नाच रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, जैसे उसके कर्म होंगे ऐसा उसको प्रकृति उसको नचाएगी। अर्जुन कहते हैं ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्या कह रहा है, युद्ध नहीं करेगा ये तो तू भूल जा के नहीं करेगा, वो तो तेरा स्वभाव के परवश हुआ तुझे करवा लेगा, तेरा स्वभाव ही तुझे करा लेगा, वो छोड़ेगा नहीं प्रकृति, क्योंकि तू जन्मों जन्मों में क्षत्रिय रहा है, जन्म से तुझे छोटा था तब से तुझे युद्ध करना ही सिखाया है, ये
ये तेरा स्वभाव तुझे छोड़ेगा ना, ये तुम मत कि वो नहीं करूंगा, वो तो प्रकृति तुझे खींच लेगी उधर एकदम झटके से, इसलिए तुम पीछे हटने में कोई मतलब वो आ नहीं। यदि तुम अपना जो कर्म है स्वभाव से मिला हुआ उसको कर। हम विचार करते हैं गुरुदेव की कृपा से, मैं विचार करता हूं कई बार कि आनंद क्यों नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि सुना है कि एक जितने धर्म ग्रंथ है, जितने सारे दुनिया के धर्म ग्रंथ, चाहे महाभारत हो, गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, अंजिल हो, तहरान हो, बौद्ध धर्म हो, धम्मपद हो, त्रिपिटक जैनों के हो, किसी भी धर्म के, और जितने नैतिकता के धर्म ग्रंथ हो, वो सब एक ही शिक्षा देते हैं मनुष्य को, एक ही शिक्षा देते हैं केवल, ये मनुष्य तू राग और द्वेष से रहित हो जा, ये मनुष्य तू राग और द्वेष से रहित हो जा। जिसको हम अपना समझ लेते हैं, ये मेरे अपने हैं, उनसे हमें राग हो जाता है, और जिनसे हमें द्वेष हो, पराया समझ लेते हैं, उनसे द्वेष हो जाता है। बस ये सारा जीवन इस राग और द्वेष की थपेड़ होता है। राग और द्वेष से ऊपर उठने का क्या, कैसे उठे, विचार करें कि कैसे उठे। राग और द्वेष को ऊपर उठने का एक ही, ऊपर उठ जाओ, आनंदित हो जाओ, बस प्रसन्नचित्त हो जाओ, सदा प्रसन्नता रहेगी। राग द्वेष से रहित तो होकर के नाम जप करो, ध्यान करो, अपार प्रसन्नता रहेगी। राग द्वेष से ऊपर कैठे बैठे, या तो इस शरीर समेत, खुद के शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण समेत पूरे संसार को, संपूर्ण प्रकृति को पराया समझ लो। सारा नश्वर है वो पराया है, कोई अपना नहीं, न शरीर अपना, न मन अपना, न बुद्धि अपनी, न नश्वर, क्योंकि नश्वर कभी किसी का हुआ ही नहीं। ईमानदारी से विचार करने कितना ही अपना कहे, आज तक किसी का नहीं हुआ। जो नश्वर होता है वो छूट जाता है, तो उसको पराया समझ लो, पूरे के पूरे को पराया समझ लो, किसी को अपना नहीं। तो आप अपने आप में ठहर जाओगे, अपने आप में स्थित, फिर कौन अपना, ईश्वर अपना, आत्म तत्व, और कोई अपना नहीं। तो आनंदित हो जाओ, या अपने शरीर इंद्रिया मन बुद्धि समेत सरासर सृष्टि को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना समझो, ईश्वर के नाते, क्योंकि ईश्वर सबके अंदर समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर व्याप्त है। तो ईश्वर के नाते सबसे अपने अपनापन का तो प्रेम हो जाएगा। एक वस्तु रहनी चाहिए तब हम राग और द्वेष से ऊपर जाते। हम क्या करते हैं कि आदों को तो अपना कह देते हैं और कुछ को पराया कहते हैं। बहुत बड़ा संसार है ये, बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन माता पिता भाई बंधु सखा मित्र, बस ये कुछ थोड़े से अपने हैं, जिनको अपना माना उनका हम चिंतन करते हैं, उनमें कुछ खराबी आ जाती है, कुछ मान अपमान कर देते हैं तो हमें हर्ष होता है, उनमें उनमें कुछ अपनापन प्रेम रखते हैं तो हम उसके अंदर खो जाते हैं, डूब जाते हैं, और हम उनसे लिपट जाते हैं, राग हो जाता है, और दूसरी सारी दुनिया को हम पराया समझते। तो हम इस राग और द्वेष के अंदर थपेड़े खाते, ना तो किसी से राग करो, ना किसी से द्वेष करो। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती और ना कहूं से प्यार। इस संसार में ना तो किसी से दोस्ती अच्छी, ना किसी से बैर अच्छा, सबकी मांगे खैर, सबके भले के लिए प्रार्थना करो, विनती करो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाक्। गुरुदेव कहते हैं, वैदिक धर्म क्या कहता है, संपूर्ण सृष्टि सारा सर विश्व ईश्वर की संतान, यह समझ करके व्यवहार करना है, वैदिक दर्शन है। किसी को अपना और किसी को पराया करना ये है पिसना, पिसते रहो, जिसको अपना मानो अपना है पिसने का, जिसको शौक है पिसते रहे, जिसको मर्जी नहीं पिसना है तो राग द्वेष से ऊपर उठ जाए। कबीर साहब कहते हैं ना, चलती चक्की देख के रे दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में तो साबुत बसान को। ये संसार में चक्की चल रही है तेरे और मेरे की और राग और द्वेष की, और इन दो पाटों के बीच में सब पीसे जा रहे हैं। और पीस पीस के गणना निंदा आलोचना में अपने आप को सता रहे हैं, पिस रहे हैं, बुरी तरह से पिस रहे हैं। कबीर साहब तभी तो रो रहे हैं, संत जो भी आते हैं वो देखते हैं ना, सब अपने ही भाइयों की तरह, अपने ही जैसे इंसानों की तरह, तो उनके अंदर कितना दर्द उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध तो यहां तक कहते हैं कि जब तक इस संसार दुखालय है और इस दुखों के कारण लोगों के आंखों से इतने आंसू बहे हैं जितने सात समुद्र में पानी नहीं, पिस रहा है संसार इस राग और द्वेष में, इस घृणा निंदा ईर्ष्या आलोचना में, इस तेरे मेरे में। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक इस जीव का एक भी संसार का सृष्टि का प्राणी बाकी है निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, तब तक मैं जन्म लेता रहूंगा, मैं जन्म लेता रहूंगा। कितना कष्ट भोगने के लिए वो संसार दुखा ले, लेकिन इस दुखों को होने के लिए खुद कितना नीचे उतर रहे हैं, अपने जन्म को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं उसको बोध कराने के लिए, मैं निनाने के लिए उसको उतरता रहा। विवेकानंद जी कहते हैं, मेरे इस देश का एक कुत्ता भी भूखा है तब तक उसको रोटी देना मेरा धर्म, मेरा धर्म। कितना दर्द है उन्हें, कितना दर्द जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को ईश्वरमय देखा, अपने आत्म स्वरूप में देखा, उनको कितना दर्द है एक जीव के लिए, कितना दर्द। यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, हे परमेश्वर इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये अनजान है, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितनी दया है, कितनी करुणा है अपार, कैसा 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 ज्ञान है, कैसा अद्भुत ज्ञान है, कैसा उनका आत्मभाव है। इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं, तुम मुझे पुकारो मैं वहीं हाजिर हूंगा, क्योंकि ये दर्द है उनका अपना, ये उनका अपना दर्द है कि संपूर्ण सृष्टि मैं ही बना हुआ हूं, सब रूपों में मैं ही खेल रहा हूं, यदि कोई दुख कष्ट पीड़ा में तो वो मैं हूं दुख कष्ट पीड़ा में। वो अपने आप को देख रहे हैं सब संपूर्ण सृष्टि के रूप में, जो ब्रह्मांड में है, जो पिंड में है, पिंड में है, जो ब्रह्मांड, इस प्रकार आप मेरे में हो और मैं आप में, आप मुझे जिस समय पुकारोगे मैं वहीं हाजिर हूंगा, वहीं उपस्थित हूंगा। तो कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूं से दोस्ती और ना कहूं से बैर। हमें पवित्र चिंतन को अपनाना होगा, हमें व्यर्थ चिंतन को, नश्वरता को, अनात्म के चिंतन को हटाना होगा। ये नहीं जरूर कि एकदम से हटेगा, लेकिन धीरे 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 हमें इस पे बहुत चिंतन मनन करना होगा कि कहाँ गलतियां हो रही, लेकिन वो गलतियां
का विचार करके वो हमें ही हटाना कि हम बहुत सारी चीजों के कारण पीछे रह रहे हैं। हमें इसका आत्मा अवलोकन करना होगा। हमारे गुरु हमें बता रहे हैं सही रास्ता, या तो हम उसके अंदर नियमित नहीं है। विवेकानंद जी कहते हैं तीन रास्ते सफलता के लिए, प्योरिटी, परसिवरेंस और पेशेंस। उद्देश्य पवित्र हो, फिर नियमितता हो उसके अंदर, रेगुलेटरी, परसिवरेंस, फिर पेशेंस, धैर्य रखो, और फिर और ऊपर उठना है तो एबोव लव, प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम के लिए प्रेम, एबोव लव। यही तो बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यार, भगवान को, सदगुरु को केवल प्रेम ही प्यारा, जान ले वो कोई जानन, कोई जानने वाले जानो, भगवान को क्या चाहिए, गुरु को, सदगुरु को क्या चाहिए। जब मैं उस दिन वीडियो सुन रहा था आपका गुरु भाई जी धर्मेंद्र जी शर्मा जब बता रहे थे कि कोटा के गुरु बहन थी, मैं उनसे मिला था, तो के गुरुदेव बातें कर रहे थे उनसे, बैठे थे के किसी जगह पे, तो के भाई तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो के गुरुदेव हमारे पास क्या है कि धन तो हमारे पास है नहीं, हम तन और मन आपको लगा सकते। तब के गुरुदेव ने कहा बेटा गुरु को कुछ नहीं तुम चाहिए तुम्हारे से, गुरु को सिर्फ भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, गुरु सिर्फ भाव का, प्रेम की दुखी होती, राम केवल प्रेम किया, जान ले वो कोई जान। तो ये बात हमें जाननी है, यही बात हमें समझनी है कि हमें गुरु से प्रेम करना है। गुरु ने जो हमें आज्ञा दी हम उन्हें उनमें कोताही नहीं बरते, हम नाम और जप और ध्यान में किंचित ही कोताही नहीं बरते, हमें पवित्र चिंतन रखना है, और क्या 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 गलती करनी है वो हमें खुद टटोलना है, हमारी भूलों को, हमारी गलतियों को। यदि हम अपना ही हित चाहते हैं तो हमें इन बातों का जरूर चिंतन मंथन करना होगा। अब विचार करते हैं कि गुरुदेव की कृपा से योगी कौन है, भोगी कौन है, प्रेमी कौन है। मनुष्य अपनी सोच से ही योगी, भोगी और प्रेमी बनता है। भोगी कौन है, जो तमाम साधना है, आधा आराधनाएं, कर्म सब कुछ करते हुए ये चाहता है कि जैसा मैं चाहूं वैसा का वैसा हो, मेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी इच्छा के अनुसार हो, मेरा मन चाहा हो। वो चाहे कितनी साधनाएं आराधनाएं करे, चाहे कितना जप तप त्याग करे, जिसके सोच में विचारधारा में ये बनता है कि मेरा चाहा हो, तो वो भोगी है। चाहे कुछ भी करे, कितने सब ताला तिलक कर दे, चाहे कितने ही कठोर साधनाएं आराधनाएं कर दे, सब कुछ करने के बाद यदि वो ये चाहता है कि मेरा मन चाहा हो, मैं चाहूं वैसे का वैसा हो, तो वो भोगी। योगी कौन है, योगी वो होता है जो ऐसे विचारधारा रखता है कि मेरा भी कल्याण हो और सबका कल्याण हो, मानव मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कल्याण हो। विवेकानंद जी तो कहते हैं योगी के चेहरे पे हर समय मुस्कान बनी रहती है, और वो जिसको देखता है उसको प्रसन्न होता है, प्रत्येक को देख के प्रसन्न होता है वो, क्योंकि वो समाहित चित्त, वो पवित्र चिंतन में लगा हुआ है, वो अपने ही आत्मा में लगा हुआ है, आत्म तत्व में। तो योगी यही सोचता है
सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब प्रकार से कल्याण हो। एक कुत्ते को भी एक रोटी देना मेरा धर्म। कितनी श्रेष्ठ सोच रहे हैं, कितनी उच्च कोटि की सोच, ये योगी सोच सकते हैं। अब हम ये विचार कर सकते हैं कि हम, और प्रेमी कौन है? प्रेमी वो होता है जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, अपने लिए कुछ नहीं सोचता, बस जिससे प्रेम करता है, भगवान से, सदगुरु से, उसी के लिए सोचता है, चाहता है, उसी के बारे में सोचता है, उसी का चाहता है, उन्हीं की प्रसन्नता के बारे में। गुरुदेव कहते थे भाई, यीशु को जब पता चला, जब वो ध्यान कर रहे थे, तब पता चला कि ध्यान में उनको अपनी मृत्यु दिखाई दी, तो उन शिष्यों ने उनको बताया, 12 शिष्य थे यीशु मसीह के, तो उनको कहा भाई तुम्हारे में से कोई एक ही मतलब मुझे पकड़वाएगा। तो एक एकदम चटपटा गया कि नहीं, तो यीशु ने कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि तू है वह, मैंने ये तो नहीं कहा। उसको पता लग गया कि मैं नहीं हूं, लेकिन उन्होंने सबके पांव पांव धोए शिष्यों के, सबके साथ बैठ के खाना खाया, यीशु को पता चल गया कि अब ये होने वाला है कि एक में इनमें से कोई एक मुझे पकड़वाएगा, मुझे पकड़ा के ले जाएंगे, सूली पे चढ़ जाएगा। कहते हैं वो ध्यान कर गए, थोड़े से उठने को हुए, एकदम ठोकर लगी, गिरे, मुंह टिका नीचे, और यूं एकदम नीचे हुए, और यूं परमेश्वर से कहने लगे, हे पिता, हे परमेश्वर, किसी तरह से ये ऐसा ऐसा जो ये मृत्यु का कटोरा है, इतनी कठिन मृत्यु है, ये मुझसे मतलब ये ऐसा कैसे हो रहा, मुझसे मेरी रक्षा कर, इसे मुझे बचा। तो उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने ये कहा, फट उनके दिमाग में विचार पौंदा, अरे मैं ये किया क्या कह रहा हूं, अरे मैं तो ये उनसे कुछ मांग रहा हूं, अरे मैं तो परमेश्वर को प्रेम करने वाला हूं, मैं तो प्रेमी हूं। दूसरी क्षण उन्होंने कहा, नहीं हे प्रभु, क्षमा करना, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा। अपनी इच्छा को उन्होंने परमेश्वर की इच्छा में मिला था, हे परमेश्वर तेरी इच्छा ऐसी है जैसा हो, ये है प्रेम, ये है प्रेम, अपनी इच्छा नहीं रखते हुए उनकी इच्छा के अंदर अपनी इच्छा मिला दी जाए, ये होता है प्रेम। तो भोगी कौन है, योगी कौन है, और प्रेमी कौन है, इस विचार में हम आकलन कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं, किस स्तर पे हैं, किस विचारधारा के। तो यीशु मसीह ने यही प्रार्थना की लास्ट में, हे प्रभु, जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है ऐसा हो, तेरी इच्छा पूरी हो। तब गुरुदेव ने कहा ना, महान प्रेमी मार्गी भक्त था यीशु, और अपनी प्राणों की आहुति दे करके उसने परमेश्वर को बुलाया, प्राणों की आहुति दे करके। यही नानक साहब कहते हैं कि ईश्वर से मिलने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, बहुत सारे रास्ते नहीं। जो अंक एक का रहस्य जान लेता है वो ईश्वर से एक रूप हो जाता है। कैसे? अपनी कोई इच्छा नहीं रखते हुए अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला देता है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं। हम सोचें कि हम अपनी इच्छा में मिला रखे रहें, अरे हमारी इच्छा है ही क्या, पतन की इच्छा होती है, हमारे तो नश्वरता की इच्छा होती है, हमें तो और दिव्य इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएंगे तो पता नहीं हमें क्या मिलेगा, है नहीं, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कितना, तो हमें ये विचार नहीं उत्पन्न होता। ना खुशी अच्छी ना मलाल अच्छा, वो यार जिसने रख दे वो हाल अच्छा, हमारी न आरजू है न जुस्त जू है, हम राजी हैं जिसमें तेरी रजा, जिसमें उसकी रजा है उसमें हम राजी रहें।
हमें यही विचार करना है कि हमें हमें नाम जप ध्यान और आराधना करते हुए आनंद नहीं आ रहा है। ये बहुत चिंतनीय मननीय विचारधारा है। ये बहुत ही जिंदगी में गुरुदेव जहाँ जहाँ इतना ललकारते हुए कह रहे हैं, जहाँ गुरुदेव इतनी 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 गुरुदेव अपने ठोस सबूत दे रहे हैं कि भाई तुम यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, तुम दूसरी जगह जाते हो, कथा प्रवचन सुन जाते हो और सुनते हो तब अच्छी लगती है, वहां से फिर से गए, पहले गए जैसे थे वैसे ही गए, यहां से तुम ऐसे नहीं जाओगे। गुरु के वचन मैं देखो कितने कितने गुरुदेव अटल उस चीज को कह रहे हैं कि यहां से तुम ऐसे नहीं जाओगे। तो हम नाम जप और ध्यान करते हुए हमें आनंद नहीं आए, इसका कारण यही है कि हमारा जो व्यर्थ चिंतन है, हमारी जो व्यर्थ की जो आदतें हैं, वो हमें कहीं न कहीं हमारी जो पास वस्तु है आनंद, जो सदा पास रहने वाली सदा साथ है, वो हमसे आनंद अलग नहीं हो सकता। वह हमें प्राप्त होते हुए भी अब प्राप्त नहीं हो रहा है। कहते हैं जल बीच मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हासी, देखत आवे हासी। मछली जल से उत्पन्न होती है, जल में स्थित है, जल में ही लीन हो जाती है, फिर भी वो प्यासी रह जाती है। तो मछली का तो कबीर साहब ने उदाहरण दिया था, ये उदाहरण मानव मात्र के लिए, वो मछली कोई मनुष्य ही है, वो मछली की बात है, वो हम सब की बात है। आनंद नहीं आए, उपनिषद तो कहते हैं आनंदा देव खलिवान भूतान जायंते, आनंद से ही सरासर सृष्टि उत्पन्न हो रही है। आनंदे जातान जीवंती, आनंद में सभी प्राणी जीवित है सरासृष्टि। आनंदम प्रयंत्य संविसंतति, और सुषुप्ति काल में मोक्ष स्वरूप प्रलय काल में आनंद में सभी प्राणी प्रवेश कर जाते हैं। उपनिषदों के अनुभव, ये ऋषियों के वचन, आनंदो ब्रह्मेति व्याजना, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद से ही सभी प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, आनंद में ही सभी प्राणी जीवित है और आनंद में ही सभी प्राणी लीन हो जाते हैं। अब आनंद के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, तो क्या आनंद नहीं प्राप्त हो रहा? कितनी कितनी चिंतनीय मननीय विचारणीय बात है। अरे आनंद की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। हम गहराई से बात करें तो हम विचार करेंगे कि हम हर समय आनंद के अंदर है। गहराई से विचार करते हैं कैसे, इस पे विचार करते हैं कि कैसे वो आनंद प्राप्त है। हम घर होते हैं और घर से हम सामान लेने के लिए बाजार चले गए और फिर काम करके फिर घर में लौटे, तो पहले हम घर में और काम निपट के वापिस आए तो हम घर में, तो पहले घर में अंत में घर में, बाजार में है तो हमारा यही रहता है कि फटाफट काम निपटाओ, समय हो जाएगा फटाफट काम निपटाओ, घर जाना है फटाफट घर। तो हमारा दिमाग कहाँ रहता है? घर में। हमारा मन कहाँ है? घर में। बाजार में काम करते हुए भी हमारा मन घर में, तो पहले घर में अंत में घर में, और फिर जब बाजार में घूम रहे तो हमारा मन और दिमाग है घर में। तो हमारा शरीर भले ही वहां रहे लेकिन मन और दिमाग वहां है, तो हम वास्तविक रूप में वही निवास करते हैं जहां हमारा मन और दिमाग होता है। शरीर भले ही कहीं रहे उसे क्या फर्क पड़ता है, तो मन और दिमाग वहां है तो हम उस समय भी घर में। तो ऐसे ही जब हम इस संसार में नहीं आए थे, जैसे हम इस संसार में नहीं आए थे तब हम आनंद स्वरूप परमात्मा में थे, और जब हमें वापिस इस संसार से चले जाएंगे, शरीर नहीं रहेगा, तब हम आनंद स्वरूप परमात्मा में रहेंगे। और अभी हम प्रत्येक क्षण प्रत्येक क्रिया में क्या खोज रहे हैं? आनंद खोज रहे हैं। पत्नी मिल जाएगी आनंद मिल जाएगा, बच्चे हो जाएंगे आनंद हो जाएगा, मकान हो जाएंगे आनंद हो जाएगा, है नहीं? माता पिता भाई बंधु मिलेंगे आनंद मिलेगा, कार मिल जाएगी आनंद मिलेगा। यहां तक भी
हर वस्तु में, हर क्रिया में, हर क्षण हम आनंद ही खोज रहे हैं। जब हम गहरी नींद के अंदर होते हैं तब हमें पता नहीं होता है तो हम करवट बदलते हैं नहीं बदलते। हमें करवट क्यों बदली? क्योंकि एक तरफ अंग अवयव दब गए, दुख कष्ट पीड़ा हुई, दुख कष्ट को छोड़ने के लिए और आनंद को प्राप्त करने के लिए हमने अनजाने में करवट बदली। जिस समय में पता नहीं है गहरी निद्रा के अंदर, उस समय भी हमने क्रिया की बेहोशी में, गहरी निद्रा में, सुषुप्ति में। वो क्रिया किस लिए की? दुख को छोड़ने के लिए और आनंद को प्राप्त करने के लिए। जिस समय में पता नहीं है हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, हिंदू है, मुसलमान है, ज्ञानी है, ज्ञानी है, प्रेमी है, योगी है, भोगी है, ना अमीर है, गरीब है, हमें कुछ भी होश नहीं। उस बेहोशी में हमने करवट बदली, वो क्रिया की। क्यों की? वो आनंद के लिए क्रिया की। तो सरासर जो सृष्टि क्रिया कर रही है, मनुष्य ही नहीं, ये कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य, संपूर्ण प्रकृति आनंद के लिए क्रियाशील है। आनंदा एवं खलिमान भूतान जायन्ते। आनंद से सभी प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, आनंदेन जातान जीवन्ति। आनंद में ही सभी प्राणी जीवित है। आनंदम प्रयन्त्य सम विसंतति। और सुषुप्ति काल में, मोक्ष स्वरूप प्रलय काल में, आनंद में ही सभी प्राणी प्रवेश कर जाते। हमने विचार किया कि हम क्रिया क्यों करते हैं, हम कर्म क्यों करते हैं। बैठे हैं तो बैठे रहे, सोए हैं तो सोए रहे, खाते हैं तो खाते रहे, उठते रहे, चलते हैं चलते रहे, हम कोई क्रिया नहीं करें, बैठे ही रहे। हम क्रिया क्यों करते हैं? क्रिया हम इसलिए करते हैं कि हमें हर क्षण किसी न किसी चीज का अभाव महसूस होता है, कमी महसूस होती है, और उस अभाव और कमी की पूर्ति करने के लिए हम क्रिया करते हैं। कमी की पूर्ति करने के लिए हम, अभाव की निवृत्ति के लिए, कमी की पूर्ति करने के लिए क्रिया करते हैं। कमी किसकी महसूस होती है? कमी महसूस होती है सुख की। किसकी? सुख की। तो हम क्रिया कैसे करते हैं? हम क्रिया सुख प्राप्ति के लिए करते हैं। फिर थोड़े सुख से बड़ा सुख, बड़े सुख से उससे बड़ा सुख, उस बड़े सुख से और उससे बड़ा सुख। तो हम 100 का नोट मिलता तो 1000 का मिल जाए, 1000 का मिला 2000 मिल जाए, 2000 तो 5000। तो हम हमेशा छोटे सुख से बड़े सुख की तरफ क्रिया करते हैं। जो हमें, जो भी हम क्रिया करते हैं, वो हम सुख को और बढ़ाने के लिए, मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, मेरा गांव सुखी हो जाए, मेरा राज्य सुखी हो जाए, मेरा देश सुखी हो जाए, संपूर्ण विश्व सुखी हो जाए, संपूर्ण सृष्टि सुखी हो जाए। तो हम हमेशा क्रिया थोड़े सुख से बड़े सुखी और बड़े सुख से और बड़े सुखी और उससे बड़े सुखी। फिर हम सोचते हैं इतना सुख मिल जाए, ऐसा सुख मिल जाए जो हमें कभी भी दुख नहीं आए, बस ऐसा सुख मिल जाए वो हमारा सदा बना रहे सुख, कभी भी दुख में नहीं बदले। तो वो सदा बना रहने वाला जो सुख है उसी का नाम आनंद है। गुरुदेव कहते हैं भैया, कार है, गाड़ी है, बंगला है, आनंद में है सारा। एक वस्तु खिसक गई, आनंद खिसक गया, तो वो आनंद नहीं है भैया। आनंद तो जब तक आएगा तब तक नहीं, तब तक आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाओगे। वो तो आपके भीतर है, उसको ढूंढ बाहर रहे हो, उसको ढूंढ बाहर रहे हो। वो आपके भीतर है, वो मन जब रुकेगा, निरोध हो जाएगा, तब आपके भीतर से प्रकट होगा। तो सारी सृष्टि जो क्रियाशील है आनंद के लिए, इसलिए कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्यजना, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। इसलिए वेद कहते हैं परमात्मा वह है जिसे आज तक कोई अस्वीकार नहीं कर सका हो, आज तक जिसकी तरफ कोई पीठ नहीं कर सका हो। सारा का सारा संसार जिसको पाना चाहता है, छूना चाहता है, भाग करके बड़े वेग के साथ जिसमें प्रवेश कर जाना चाहता है, वो है परमात्मा।
तो कहते हैं वो कौन है, तो वेद कहते हैं आनंदो ब्रह्मेति व्याजना, वो ब्रह्म है, वो आनंद स्वरूप है। आनंद हिंदू को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, जैन को चाहिए, बौद्ध को चाहिए, कीड़ी कुंजर को चाहिए, पेड़ पौधे भी बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, सारी सृष्टि उसके अंदर लगी हुई है। लाओ ढूंढ के ऐसे व्यक्ति को खींच के, कहो पूछो उसे जिसको आनंद नहीं चाहिए, कोई मिल जाए तो। आनंद का विरोधी ढूंढ के लाओ, आज तक जिसकी तरफ कोई पीठ नहीं कर सका हो, आज तक जिसकी तरफ कोई अस्वीकार नहीं कर सका हो, कर नहीं सकता। आनंदो ब्रह्मेति गजा, वो ब्रह्म आनंद स्वरूप। इसलिए गुरुदेव कहते हैं आनंद आया भैया, वो आपके पास ही आनंद है। नहीं, आनंदो ब्रह्मेति, ब्रह्म आनंद स्वरूप, नंद के आनंद भाई। कृष्ण तो नाम बाद में रखा ज्योतिषियन पंडित, और नंद नाम भी आनंद का प्रेवाची, नंद के आनंद भाई। परमात्मा प्रकट हुए हैं, परमात्मा आनंद स्वरूप, आनंद की तरफ आज तक कोई नहीं। आज तक दुनिया में जितने प्रचलित भगवान हैं, जितने सबका एक दूसरे के प्रति विरोध कर रहे हैं। राम और कृष्ण हिंदुओं के भगवान, उनके भगवानों के नाम अल्लाह, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, सब एक दूसरे का, उसको वो नहीं चाहते तो उसको वो नहीं चाहते, उसको वो नहीं चाहते तो उसको वो नहीं चाहते। अल्लाह को गाली दे दो तो कह रहे हमारे भगवान को गाली दे, राम कृष्ण को दे तो हिंदू कहेंगे हमारे उन्होंने आपको, और महावीर को दे दो तो वो कहेंगे हमारे भगवान को गाली दे दी। अरे भगवान तो कौन है, वो तो पहले तय करो। भगवान तो वो है जिसका, जिसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, विरोध कर ही नहीं सकता। जिसकी तरफ कोई पीठ नहीं कर सकता, विरोध है ही नहीं उसका। बिल्कुल गुरु भाई, आज का सेशन सच में आनंद से भरा हुआ है। और जो आपने कहा ना कि आनंद तो अंदर ही है, उसका एक बड़ा ताजा उदाहरण अभी आया कि एक प्रैक्टिशनर हैं ईरान में, जो कई वर्षों से डिप्रेशन का शिकार थी, और उसने सैकड़ों, जिसको बोलते हैं ना ये साइकेट्रिस्ट के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस किए, और हर सेशन में वो बेचारे 40 अमेरिकन डॉलर खर्च करती थी, $40, और 100 से ऊपर कर लिए होंगे, लेकिन किसी के ताबे नहीं आई बात, उसका डिप्रेशन खत्म नहीं हुआ था। तो वो करीब 2-3 महीना, 4 महीना मानो आप, सीरियसली उसने गुरुदेव का ये मंत्र जपा, एक संजीवनी मंत्र है 3 शब्द का, उसने कहा कि ये जपती हूं मैं। और वो, उसका कोई धर्म से लेने देन नहीं है, वो ईसाई है, वो मुस्लिम है, और ये राधा कृष्ण का मंत्र है और गुरु जी है, तो उसने करना चालू कर दिया। करना चालू करते करते बीच में कभी थोड़ा रिलैप्स हो जाए, फिर वापस से उसको पुश मिले, फिर हो जाए। तो कल उसने बात की मुझसे, ध्यान करवाया उसको, तो उसने कहा कि मैं अभी बाहर गई थी, लौटी हूँ, ये जहाँ मैं रहती हूँ शिराज एक जगह है ईरान के में, एक शहर है, कि वहाँ पर हर साल फूल खिलते हैं, हर साल बहार आती है, हर साल मतलब मौसम अच्छा होता है, लेकिन कई सालों के बाद आज पहली बार मुझे ये सारी बहार, ये सारी फिजा, ये सारे फूल, ये सारा वातावरण इतना आनंदमय लगा कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकती। तो उसने ये भी बात कही कि एक नया साइकोलॉजिस्ट आया है, जिससे मेरा अपॉइंटमेंट था, और मैंने बात तो की उससे, लेकिन मेरे को उससे बात करने मजा नहीं आया, अब मेरे को जरूरत नहीं है,
तो मैंने कहा तूने 40 40 डॉलर खर्च कर दिए, पैसा खर्च कर दिया इस चीज को पकड़ने के लिए, ये चीज तो कुछ और ही थी। तो तू अब तो मैंने उसको मजाक में ये कह रहा तू मेरे को $35 दे देती तो ही मैं तेरी पार पड़ जाती 2 सेशन में ही, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत साइकोलॉजी जानता हूँ। हालांकि वो मजाक थी, तो वो बोलती नहीं धर्मेंद्र तुम्हारा भी शुक्रिया। मैंने कहा शुक्रिया तो करो, वो तुम्हारे प्यारे गुरुदेव है ना, रामलाल जी से आप चश्मा पहनते हैं उनका करो, क्योंकि वो कण कण में व्याप्त है, वो आनंद स्वरूप है, वो ही पार ब्रह्म है, और उसने आपका हाथ पकड़ लिया तो आपकी पार पड़ जाएगी। अब पार पड़ी इसलिए कि तूने मंत्र जाप बढ़ा दिया, मंत्र जाप बढ़ाया तो ध्यान ठीक होने लग गया। अब कल रात को उसने एक मैसेज लिखा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखो वृत्तियां कैसे बदलती। तो उसने कहा कि धर्मेंद्र मेरे क्या है यहाँ नॉनवेज वगैरह ज्यादा चलता है, तो मैं अब ये तय कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल तो बंद नहीं करूंगी, सप्ताह में एक दिन तो नॉनवेज खाऊंगी, बाकी 6 दिन है ना मैं वेजिटेरियन खाऊंगी, तो मेरे को वो रेसिपीज बता वेजिटेरियन खाना बनाने की, मैं अब वही रांधना शुरू करूंगी, मतलब बनाना शुरू करूंगी और वही खाऊंगी। तो अंदर से ही वो प्रकट हुआ ना, ये आपकी बात सिद्ध हो रही गुरु भाई, और गुरुदेव की बात प्रमाणित हो रही। एक और छोटी सी बात कह के इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। आपने शुरू में मीरा का उदाहरण दिया कि ये एक ऐसा धन है जो इसको कोई लूट के नहीं ले जा सकता, तो जो फिजिकल चीज है, मैटर है, उसको तो कोई लूट के ले जाए। जैसे वैक्सीनेशन जब चालू हुआ तो कई लोगों ने लूट मचा दी, वो शीशियां चोरी होगी और सब कुछ हो गया, लेकिन कोई राम के नाम को लूट के ले जाए ना, तो वो मतलब वो वापस नहीं देके जा सकता, वो बोलेगा ठीक है भाई सब मजा आ गया, आनंद आ गया। तो कल मैं गुरु भाई से बात कर रहा था, भंवर सिंह जी से, तो उन्होंने एक किस्सा बताया जामसर का, जब बाबा गंगाईनाथ जी सशरीर थे और उनको क्या सत्संग में जाने का एक वो था, अच्छा लगता था, और वो रात को जाते तो वो एक ही आसन में बैठे रहते थे, बाकी लोग भले चले जाएं, वो सुबह 4 बजे ही उठते थे उस आसन से, ना टॉयलेट जाना ना कुछ, और बस आसन सिद्ध था तो वो आराम से बैठे रहते थे। तो हुआ ये कि एक बार वो गए सत्संग में और पीछे से कोई चोर आ गया और ये पीतल के बर्तन जितने भी होते थे सारे बोरी में भर भरा करके लेके चला गया। तो अब ये जो मीराईनाथ जी हैं, गणेश की माता जी, ये सेवा सेवा में थी, तो सुबह उठे वो गंगाईनाथ जी तो वापस आकर के अपने धुने में बैठ गए, अपने फिर आसन में बैठ गए, तो ये सुबह उठे पानी वानी के लिए और वो लोटा वोटा ढूंढे मिला नहीं, तो इन्होंने फिर बाप जी को शिकायत की कि भाई कोई चोर चोरी करके ले गया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 दिन पहले, उससे 2 दिन, उस घटना के 2 दिन पहले बीकानेर का कोई एक शिष्य था उनका, जो जिप्सम का बड़ा काम करता था, तो उसको 2 दिन पहले प्रेरणा हुई थी कि लोटे और बर्तन ये सब है ना लाने हैं, तो वो बेचारा बोरियां भर के वो उसी दिन सुबह ट्रेन चलती है 9:30 बजे बीकानेर से जामसर के लिए, तो 10:15 बजे पहुंचते हैं। तो नाथ जी ने कहा कि ठीक है आ जाएंगे चिंता मत करो, और वो बेचारा वो उतार करके लाया, वो सारे नए बर्तन आ गए, तो कोई चोरी करके ले भी जाए तो नए बर्तन आ जाएंगे, नया आ जाएगा अपने पास, कोई टेंशन नहीं। ये 2 बातें थी गुरु भाई, और सच में एक बहुत गहरा संदेश है आपकी बात में पूरी मानव जाति के लिए, और अगर आपके अंदर वो परिवर्तन नहीं आया होता तो आप ये बात कहने के अधिकारी छोड़ो, मतलब आपके दिमाग में ही ये बात नहीं आती। चिंतन अगर नहीं बदलता ना तो बाकी के अड़ंगे नहीं बदलते, तो आपके चिंतन की ऐसी चक्री चला दी गुरु जी ने कि अब वो पूरी मानव जाति के भले के लिए काम करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत आनंद रहा, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, 2 शब्द जी गुरु भाई। और ये विचार उठता है कि कहते हैं ना, कबीर साहब कहते हैं एक जगह, क्या प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभुता को सब कोई भजे तो प्रभु को भजे न कोई,
जे प्रभुता को छोड़ प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी होए। सभी जो भजन करते हुए नजर आते हैं तो सभी माया को ही भज रहे हैं, माया को ही चाह रहे हैं, तो सभी माया को चाह रहे हैं, भगवान को कोई नहीं चाह रहा है, भगवान से प्रेम कोई नहीं कर रहा है। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। जे प्रभुता को छोड़, इस नश्वरता से अपना चिंतन हटा करके व्यर्थ से, और प्रभु को भजे। जो सदगुरुदेव जी ने रास्ता बताया वो अपनाए, जो व्यर्थ और नश्वर और अनात्म का चिंतन छोड़ करके और इसमें चित्त लगाए तो प्रभुता चेरी हो, तो माया उसके दासी होकर के रहे। प्रभुता को सब कोई भजे तो प्रभु को भजे न कोई, जो प्रभुता को छोड़ प्रभु को भजे तो प्रभुता चेरी हो, माया उसके दासी होकर के रहेगी। यही यही बात है, गुरुदेव यही कह रहे हैं कि काम नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। राम तीर्थ तो कहते हैं जब ईश्वर, जब जज अपनी कुर्सी पे आकर के बैठ जाते हैं ना, तो दूसरे तो सब भागे भगाए उसे पहले ही आकर खड़े हो जाते हैं कि हाँ जज साहब बैठने वाले कुर्सी। तो जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ते हैं, दूसरी जो प्राकृतिक शक्तियां होती है वो तो भागती हुई आती है और फटाफट फटाफट सब काम सही कर लेती है, क्योंकि वो तो उनके आदेश का पालन करती है, वो तो उनकी सेवा के लिए ही बनाई गई है। गुरुदेव कहते हैं ना भैया, योग का जो लक्ष्य है ना वो मोक्ष है, रोग है ही नहीं। ये रोग तो जब आदमी यहाँ ऊपर चढ़ता है ना तो वो परमेश्वर आदेश देता है कि ये मेरे से मिलने आ रहा है, फटाफट इसका रास्ता क्लियर करो, तो वो प्राकृतिक शक्तियां फटाफट अपना काम सेवा में लग करके उस रोग को कर देती है, इसको ठीक करो। तो ये प्राकृतिक शक्तियां तो हाथ खड़े खड़ी रहती है कि कब हमें आदेश मिले, हम तो अपना काम करें। इसलिए गुरुदेव ने जो नाम जप और ध्यान बताया है, जो विधि बताई, उसको नियमित करें, निरंतर करें, गुरुदेव के वचनों में विश्वास रखें। गुरु वचनों पर डट जा प्यारे, जो चाहे कल्याण, तत्व तो मसीह को लक्ष्य समझकर पाले तू पर निर्वाण। गुरुदेव के वचनों में शिष्यता की जो चार प्रकार के भक्त बताए हैं भगवान ने, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो कहते हैं कि भक्त तो बन सकते हैं, भक्त बहुत बनते हैं और भक्त कई प्रकार के होते हैं, भक्त भी प्रेम रखने वाले होते हैं, लेकिन जो शिष्यत्व के लिए बताए हैं, शिष्यत्व इससे भी ऊंची श्रेणी है, शिष्यत्व इससे भी बढ़कर है भक्तों से। शिष्यत्व की विवेकानंद जी चार शर्तें बताते हैं कि शिष्य के लिए चार शर्तों का पालन करना चाहिए, सत्य और असत्य का विवेक। शिष्य को ये बारीकी से पता होना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, सत्य और क्योंकि असत्य को ही सत्य मान बैठा है और सत्य को असत्य, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि हम उद्देश्य कैसे तय करें। सत्य और असत्य का विवेक, इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग, तीव्र मुमुक्षुत्व, मोक्ष होने की तीव्र महत्वाकांक्षा, जैसे कोई हाथ पार बांध दे, ऊपर अंगार रख दे तो कहते हैं कैसे एकदम चटपटाता है, ऐसी चटपटाहट मुक्ति प्राप्त करने के लिए। और चौथी है वो गुरु में अचल श्रद्धा। तो विवेकानंद जी कहते हैं भाई तीसरी तो फिर भी तीनों तो कम हो सकती है, लेकिन चौथी जो गुरु में अचल श्रद्धा है ना, इसमें तो कतई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये यदि रख लेगा ना तो बाकी वाली तीनों भी हो जाएगी, लेकिन ये जो हम व्यर्थ चिंतन करते हैं, जो हम शिकायतें करते हैं, तो इसका यही अर्थ है कि हमें गुरु के अंदर अचल श्रद्धा नहीं है। उसका विधान मंगलमय है, वो सर्व प्रकाश से मंगल ही करता है। गीता सार में साफ लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूतकाल का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है।
जब सृष्टि संपूर्ण सृष्टि आनंद से उत्पन्न और आनंद में स्थित आनंद में लीन हो जाती, तो अपने को इतना इतना व्यर्थ बोझा क्यों लेना, दिमाग की नसें क्यों कसना। उसका जब विधान सब प्रकार से मंगलवारी है, तो हमें गुरु के वचनों में अश्रद्धा की किस लिए करें, या तो हमें उन बातों में विश्वास नहीं, और यदि करते हैं तो फिर हम उन्हें नियमित रूप से कहें, निरंतर करें और हम अचल श्रद्धा रखें। लेकिन होगा नहीं होगा, कितना होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, है नहीं। लेकिन गुरुदेव ने तो अपने हर चीज के अनुभव के साथ दिया, फिर भी शिष्य छोड़ करके दूसरी आराधनाओं में लग जाते हैं, उधर कर जाते हैं, इतनी अनुभूतियां देते हैं, इतने काम कराते हैं, फिर भी आस्था का डिवाइडेशन हो जाता है। समझ में नहीं आता कि फिलोसॉफी को समझ नहीं पा रहे हैं, तो एक निष्ठा का सिद्धांत नहीं समझ पा रहे हैं कि एक साधारण सी बातें हैं कुछ, हमें उस फिलोसॉफी को हम नहीं समझ पा रहे हैं। भाई जब एक पौधा रखते हैं खिड़की की तरफ, तो जिससे सूरज की रोशनी आती है तो उधर पौधा झुक जाता है, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया। तो पौधा यदि प्रकाश की तरफ झुक रहा है, तो पौधा की चेतना जब उस तरफ झुक रही है, तो ये जो मनुष्य है ये प्रकाश की तरफ कैसे नहीं झुकेगा। इसको तो प्रकाश खींच रहा है, इसको तो प्रकाश चाहिए, इसको तो एक दिन दो घंटे के लिए काल कोठरी में रख दो, कमरे के अंदर चटपटाने लग जाएगा वो आदमी। ये तो बिना प्रकाश के इंसान जी नहीं सकता। जब पौधे तक को बिना प्रकाश के उसका जीवन नहीं चलता है, तो मनुष्य का जीवन कैसे प्रकाश बिना चलेगा। तो ये जो आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हुआ, इसके लिए तो आत्मा चटपटा रही है। महर्षि अरविंद ने यही लिखा है कि एक गुरुदेव ने लिखा 1968, आयरन एज इज द एंडेड, कलयुग समाप्त हो चुका है, और सत्युग का आरंभ 1969 से हो चुका है, लेकिन भौतिक चेतना पर अभी भी पुरातन जगत का कब्जा है। भौतिक चेतना यानी मन, बुद्धि, प्राण, इन पे भौतिक चेतना है। मन, बुद्धि, प्राण कहते हैं रुपए कमा ले, धन कब ले, छल कपट कर ले, अपना काम बना ले, यश चाह ले, कीर्ति चाह ले। आत्मा कहती है प्रेम चाहिए, ज्ञान चाहिए, सबका हित चाहिए, सबका मंगल चाहिए। आत्मा अपने रूप में प्रकट होने के लिए चटपटा रही है, लेकिन ये भौतिक चेतना उसको दबा रही है। भौतिक चेतना पर अभी भी पुरातन जगत का कब्जा है, कलयुग का, अंधकार का, तमस का कब्जा है, और आत्मा प्रेम चाहती है, ज्ञान चाहती है, उदारता चाहती है, सबको गले लगाना चाहती है, सबसे ऊपर उठने आनंद चाहती है, वो अपने स्वभाव के अंदर प्रकट होना चाहती है। सब मनुष्य चाहिए, सब मनुष्य इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी जाने अनजाने उसके अंदर विचारों में लगे हुए हैं। उसके अंदर कितने महापुरुष आए, कितने प्रकट हुए, कितने काम कर रहे हैं। जी गुरु भाई, सॉरी थोड़ा इंटरनेट चला गया था, इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप जारी रखें। आत्मा प्रेम के लिए छटपटा रही है, अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए छटपटा रही है, वहां तक मैंने सुना, उसके आगे की बात आप प्लीज कहें। भौतिक जगत पर अभी भी पुरातन जगत का कब्जा है, कलयुग का, अज्ञान का। तो ये जो मन है और बुद्धि है, ये तुच्छ स्वार्थों पे अटकी हुई है, तुच्छ स्वार्थ पूर्ति को पूर्ण करने के लिए, और ये उसी में रहना चाहती है, क्योंकि उसका उसका जो बाहरी जो वातावरण है, जो कलयुग का, वह उस वातावरण को उनको सपोर्ट कर रहा है, और अंदर से जो चटपटाहट है वह आदमी की इस विकास की जारी है, चटपटाहट की। इसलिए जैसे पौधा प्रकाश की ओर सहज ही घूम रहा है, उसी प्रकार यह आत्मा जो गुरुदेव द्वारा प्रकाश प्राप्त हुआ है, सहज ही
एक बार ही तस्वीर देखते ही फट उसको ध्यान लग जाता है, योग होता है उसको शुरू होता है। क्यों? कि यह सहज ही अपने प्रकाश रूप की तरफ बढ़ना चाहती है। इसलिए ये सिद्ध योग, ये पूर्ण योग, महायोग, ये जो नगर धर्म है, इसमें मानव जाति अपने सहज प्रकाश रूप को, अपने आत्मा के आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए क्षण प्रतिक्षण लालायित है और बढ़ती रहेगी, और उसका मूल स्वभाव है वो उसको प्राप्त करना। जब तक वह मूल स्वभाव को नहीं प्राप्त होंगे तब तक उसकी चटपटाहट कभी मिटेगी नहीं, उसको चैन कभी नहीं मिलने वाला। तो सबको जी गुरु वो चैन मिले, पूरी मानव जाति को वो चैन मिले, पूरी मानव जाति का कल्याण हो। और जो पंक्तियां गुरुदेव ने लिखवाई थी कि गुरुजी फिर आनंद से भर दो, गुरुजी फिर से प्रेम भरो, आकर इस मन मंदिर में कहो मैं हूं ना, तुम काहे को डरो। बस इसी प्रार्थना के साथ ये एपिसोड अपन गुरुदेव के चरणों में एक समर्पित करते हैं। चाहे तो एक एक भजन सुनाने जी की इच्छा है गुरु भाई, बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल। एक भजन सुनाने की इच्छा है गुरुदेव की कृपा से। पास रहता हूँ हरदम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ हरदम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू, ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ हरदम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कोसता है दोष देता है हरदम मुझे, मुझको यह ना दिया मुझको वह ना दिया। कोसता है दोष देता है हरदम मुझे, मुझको यह ना दिया मुझको वह ना दिया। सबसे श्रेष्ठ नर्तन तुझे दे दिया, सबर तुझको न आए तो मैं क्या करूं। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य तन तुझे दे दिया, सबर तुझको न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं हरदम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसीलिए बुद्धि मैंने दी तुझे हे नरे। जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने दी तुझे हे नरे। लिपट विषयों की सीख मेरी भली, ध्यान तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं हरदम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, न कर पाप कहता हूं संकेत में। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, न कर पाप कहता हूं संकेत में। अरे मंद भागी अमृत छोड़ करके, जहर विषयों का खाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं हरदम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। सुर से सुख कर सुदर्शियों से भरा, यह विश्व मैंने ही तो है रचा। सुर से सुख कर सुंदर सुदर्शियों से भरा, यह विश्व मैंने ही तो रचा। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण को
नर्क तू ही बनाए तो मैं क्या करूं, हर पास रहता हूं हरदम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। क्या जी बात है गुरु, गुरु भाई, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद, बहुत ही आनंद है। गुरु का ऐसा प्रेम, ऐसी कृपा सब पे बरसे। बस इसी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को आज अपन यही विराम देते हैं और गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव अब चाहे जिस भी स्टाइल में ओम प्रकाश गुरु भाई बोलते हो उनको बुलवाया जाए, क्योंकि एक स्टाइल का नाम ही ओम प्रकाश है, तो आपकी अपनी स्टाइल है, दूसरे की किसी स्टाइल पे चलने की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर गुरुदेव रामलाल जी सियाग की वैसी छाप है, इसलिए ये सीरीज आपके नाम से चालू करवाई, गुरु करीले आप समान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।